पवन सिंह शुरू करने जा रहे हैं अपनी फिल्मों की शूटिंग। देख लीजिए ये फोटोज़। और आपको बता दें कि इससे रिलेटेड हर एक जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि पवन सिंह कई गाने लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन मीठा मीठा बात है कमरिया ने 70 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। जी हाँ, पवन के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, साथ ही अक्षरा के फैंस के लिए भी। अब आप ये कहेंगे कि अक्षरा और पवन के फैंस किस तरह इससे रिलेट कर सकते हैं, तो अक्षरा सिंह का गाना इधर आने का नहीं ने 50 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। और आप सभी को जो भी पवन और अक्षरा के फ़ैन हैं उनके लिए बहुत बड़ी बधाई। और जो खेसारी के फैंस हैं जिन्हें लगता है कि हम उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए भी हम बता दें कि 200 मिलियन जी हाँ, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद इस गाने ने 200 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। बहुत ही बहुत बहुत ही बड़ी बात है, 6 महीने में 200 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करना भोजपुरी के एक ऐसे सॉन्ग के लिए जो सिर्फ सीजनल है, जैसे कि होली का हुआ या दिवाली का सॉन्ग हो, वो सीजनल सॉन्ग होते हैं, तो सिर्फ सीजनल है और अभी तक वो धमाल मचा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि पवन सिंह कौन सी फिल्म की शूटिंग करेंगे। फिल्म अनटाइटल है, लेकिन कहा जा रहा है, बिग सोर्स कह रहे हैं कि इनके साथ इस फिल्म में डिम्पल सिंह एज हीरोइन नज़र आ सकती है। जी हाँ, डिम्पल सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त मोस्ट ऑफ आपको बहुत सारे गानों में दिखेंगी। अभी आपको प्रवेश लाल यादव के साथ भी दिखेंगी, वो प्रवेश लाल यादव के साथ फिल्मों में भी दिख सकती हैं, लेकिन हाँ, उनके साथ एक गाने में वो फिक्स दिख रही हैं, क्योंकि प्रवेश लाल यादव के घर गई थी डिम्पल सिंह, और वहीं उनके गाजीपुर वाले घर पर भी सारी शूटिंग कंप्लीट की गई है। लेकिन इस फिल्म में जहाँ जो कि बिहार में ही शूट होगी, आपको बता दें कि हो सकता है कि डिम्पल सिंह, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर डिम्पल सिंह उनके साथ नज़र आएंगे। एक तरह से देखा जाए तो डिम्पल सिंह और पवन सिंह के मीठा मीठा बात है कमरिया को बहुत पसंद किया गया था, उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था, तो हो सकता है ये खबर आ रही है। और हो सकता है क्या, ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ डिम्पल सिंह उनकी हीरोइन होंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।